साईयो। मुझे पता है रात में खाने के बाद आपकी टहलने की आदत है। अगर आज रात आप ना चाहें तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी सलाह है आज आप आराम करें, घर से बाहर कहीं भी ना जाएं। बातें तो होती रहेंगी, आप सब अंदर आइए ना, मैं खाना लगा देती हूँ। बाबा आप तो जानते हैं ना कि मेरी मामी शिरडी में रहती है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उनसे मिल आऊं। अरे इसमें अनुमति की क्या बात है, तुम्हारी आत्या सास का घर है, तुम्हारा भी तो घर है ना, जा जा। क्या जी? मैं अभी आई। हाँ चल सुदामा आ जा। अगर तापी ताई ये सोचती है कि ये बाहर मटर गस्ती करेंगी और मैं घर का काम करूंगी तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। कैसी आवाज है ये? पता लगाता हूं मैं। साईं, आप इतनी रात कहां जा रहे हैं? आओ मेरे साथ। थोड़ा समय तो लगेगा, इसलिए शरीर को ज्यादा कष्ट मत दीजिए, आराम कीजिए आप। सुदामा, साई ने तुम्हें रात को टहलने के लिए मना किया था ना, फिर क्यों गए? साई की बात क्यों नहीं मानी तुमने? और ये कैसी जगह है? यहाँ जंगली जानवर क्या खुले में घूमते हैं? ऐसा नहीं है रेणुका, मामी जी बता रही थी कि शिरडी हर तरह से सुरक्षित है। बाघ जंगल के बाहर आ गया था, ये तो खतरे की घंटी है। हाँ भाऊ, तुम सही कह रहे हो, आज शिरडी की सीमा पर था, कल हो सकता है हमारे गांव में घुसा है। तब तो ना हम सुरक्षित है ना हमारे घर वाले। हमें उसे निपटने के लिए कुछ ना कुछ तो जल्द ही करना होगा, लेकिन क्या करें, वो बाघ है, गाय या भैंस नहीं। किसी शिकारी को बुला लेते हैं हम अपने गांव में, वो मार के रहेगा। अगर हम चाहे तो उसे अपने जाल में फंसाकर
उसे लाठी से मार मार के मार सकते हैं। अगर मार नहीं पाए और अगर डराने में भी कामयाब रहे तो भी वो शिरडी की सीमा पार करने की हिम्मत नहीं करेगा। नहीं, आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन क्यों साहिब? आप लोगों ने कहा कि बाघ जंगल के बाहर आ गया था, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि सुदामा जी जंगल के अंदर गए थे, इसलिए गलती बाघ की बिल्कुल नहीं है। इस घटना में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसे कि हम देख नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, और किसी भी वन्य जीव को नुकसान पहुंचाने का समर्थन मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। एक हिंसक जंगली जानवर ने इंसान पर हमला किया, क्या इस घटना को हल्के में लेना बुद्धिमानी है? साई ने कभी किसी को कोई गलत सलाह नहीं दी है ना, और जब ये कह रहा है कि हम वन्य जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मतलब नहीं पहुंचाएंगे। संभल के रहना होगा भाइयों, बहुत बुरी तरह हमला किया है उस बाघ ने। मरने से अच्छा है कि डर के संभल जाओ। मैंने तो अपने बच्चों को बोल दिया है कि सूरज ढलने से पहले वो घर वापस आ जाए। घर के अंदर सोते हैं अब हम लोग, आंगन में सोना छोड़ दिया। आप लोग भी शाम को घर से संभल कर निकले और कोशिश करें कि बाहर ना जाना पड़े। सबकी जान को खतरा है। होगा खतरा, लेकिन मुझे किसी का कोई डर नहीं। जब साई साथ है तो डर किसका? पछताने से बेहतर है कि हम खुद को सुरक्षित रखें। बाघ को नुकसान पहुंचाने से साई ने हमें मना किया है, इसलिए खुद को बचाने के लिए कुछ तो उपाय करना पड़ेगा ना। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमले के कारण सब लोग बहुत डरे हुए हैं साई। लोग क्या महसूस करते हैं उन्हें महसूस करने से तो हम नहीं रोक सकते, हम तो बस उन्हें समझा सकते हैं। ईश्वर हमें विवेक देता है, लेकिन वो हमसे हमारी इच्छाओं को नहीं छीनता। तो ये हम पर निर्भर करता है कि अपने विवेक का उपयोग करते हुए हमें अपनी किन इच्छाओं को पूरा करना है और किन्हें नहीं। साई, तुम इस हमले से इतने परेशान क्यों नहीं हो? डर वहां होता है जहां अज्ञान हो, क्योंकि डर अज्ञान से ही उपजता है। पर जहां ज्ञान हो, सच्चाई हो, वहां डर के लिए कोई स्थान नहीं। तुम फिर पहेलियों में बात करने लगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम साफ साफ कहो ना। सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। सभी शिरडी वासियों से अनुरोध है कि वो तुरंत चावड़ी में उपस्थित हो। कुलकर्णी सरकार एक जरूरी फरमान सुनाना चाहते हैं। चलो। साई, चलो ना, देखते हैं सरकार क्या कहने वाले हैं। आ,
हरिओम हरिओम मेरे प्यारे शिरडी वासियों, जंगली जानवरों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि अगर उनके मुंह रक्त का स्वाद लग जाए तो फिर वो नरमांस भक्षक बन जाते हैं, आदमखोर बन जाते हैं और फिर उन्हें रोकना किसी के वश में नहीं होता। सुनने में आया है कि ऐसे ही किसी जंगली पशु ने, जानवर ने शिरडी के किसी व्यक्ति पर आक्रमण किया। पड़ोस वाले गांव में भी ऐसी घटना घटने की सूचना मुझे मिली है। स्पष्ट है कि शिरडी के सीमा के पास जो जंगल है उसमें कोई बाघ घूम रहा है। हरिओम हरिओम। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है तुम लोगों को। मैं कुलकर्णी सरकार हूं, शिरडी का मुखिया हूं और मुखिया होने के नाते आपकी सुरक्षा का दायित्व मुझ पर है। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि हम शिरडी की सीमा पर एक दीवार बनाएंगे। दीवार दीवार बनाने के पश्चात ना ही कोई जानवर शिरडी में प्रवेश कर पाएगा और ना ही किसी पर हमला कर पाएगा। हरिओम। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है। मुझे पता था बैरागी कि तू अपनी नाक बीच में जरूर घुसेड़ेगा। अब बताइए तेरे कहने के पीछे क्या तर्क है? हाँ है, शिरडी के चारों ओर घने पेड़ हैं। क्या दीवार बनाने के लिए हम सब पेड़ों को नष्ट कर देंगे? और अगर पेड़ों को नष्ट करके हमने दीवार बना भी ली तो मालिक जाने हमें कौन से नए संकट का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम्हें शिरडी वासियों की सुरक्षा से भी अधिक पेड़ पौधे और जंगली जानवरों की चिंता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम चाह रहे हो कि वो जानवर शिरडी वासियों पर हमला करें, फिर वो जख्मी लोगों का तुम इलाज करते रहो, उनकी चिकित्सा करते रहो, उनके प्राण बचाने का प्रयास करते रहो और फिर अधिकाधिक उनमें लोकप्रिय बनते रहो? हम इतना सख्त फैसला कैसे ले सकते हैं, जबकि सच तो ये है कि हम ये भी नहीं जानते कि सुदामा जी पर बाघ ने हमला किया क्यों था। हरिओम। क्या बिना सिर पैर की बात कर रहा है तू पाखंडी? क्या हम बाघ से जाकर पूछें उसने हमला क्यों किया? सीधी सी बात है, वो भूखा था इसलिए उसने आक्रमण किया। और उसके अतिरिक्त संभवतः तुमने सुना नहीं कि मैंने सुझाव नहीं मांगा, मैंने अपना निर्णय दे दिया है। और जहां बात श्रीनिवासियों की सुरक्षा की हो वहां मैं कोई जोखिम नहीं उठा सकता। दीवार बनाने का प्रस्ताव मैंने अंग्रेज सरकार को भेज दिया है। अंग्रेज सरकार शीघ्र ही मेरे प्रस्ताव को स्वीकृति दे देगी। उसके पश्चात हम शिरडी की सीमा पर दीवार बनाना आरंभ करेंगे।
हरिओम। ये लो मामा, शिरडी वासियों के हित के लिए, गांव के भले के लिए कुलकर्णी सरकार कभी कुछ अच्छा नहीं सोच सकते। पर उन्होंने दीवार बनाने का सोचा है तो इसमें भी उनका कोई ना कोई हित जरूर होगा। रेनुका, फल कटे नहीं क्या अभी तक? हो ही गया, बस अभी आई। तापी अब बस करो, ले भी आओ फल बाहर। बस हो गया, अभी आई। दोनों बहुएं एक दूसरे की विपरीत है, एकदम अलग। बेचारा दादा, उसके लिए तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। भाई, तेरी बोली सुन मैंने। क्या है ये? पपीता। बस बस, यही इतना ज्यादा है, इसे भी तो खत्म करना है ना। वहीं लीजिए ना। अरे वाह, बिल्कुल एक तरीके के काटे सब। कैसे कर लेती हो? मेरी आई ने सिखाया। और धनिया के पत्तों से स्वाद और बढ़ जाता है। पपीते का? हाँ। बाईजा अक्का आओ कावेरी। अरे आप तैयार नहीं हुई? आप आके यहाँ पूजा के लिए जाना है ना। अरे देवा, मैं तो भूल ही गई। कावेरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। हाँ तुम चली जाओ। बाईजा आपका चलिए ना, घर में मेहमान आए हैं, खाना बनाना बाकी है और फिर पानी भरने जाना है इतने लोगों के लिए। एक काम करो, मेरी तरफ से आभा से माफी मांग लेना और मेरी ना आने की मजबूरी भी बता देना। हाँ। अरे बाईजा, पड़ोस में पूजा है, हमारे घर से कोई नहीं जाएगा तो अच्छा नहीं लगता। तुम एक काम करो, पूजा में जाओ।
काम की चिंता बिल्कुल मत करो। तुम्हारे जाने के बाद भी दो बहुएं हैं ना घर में, रेनुका और तापी की आत्या सास का घर है, कोई पराया थोड़ी है, अपना घर समझ के दोनों खाना बना लेंगी। शिरडी ये सोच के आई थी कि यहां आराम मिलेगा मुझे, लेकिन नहीं, यहां भी वही चूल्हा चौका। इस बार लक्ष्य भेदा है मैंने, और वो पाखंडी चाहकर भी मेरी योजना को असफल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस बार जो मैंने दांव खेला है वो उसकी कल्पना से परे हैं। आक्रमण करवा के मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। अब मैं गांव वालों की सुरक्षा के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ूंगा और उनका नायक बन जाऊंगा। हरिओम।